सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन के आगे के ऑप्शन, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, क्लीन, चार। तो इन ऑप्शन का यूज़ हम अपने टेक्स्ट फंक्शन में करते हैं। इनमें आपको बताती हूँ तो सब्स्टिट्यूट का वर्क क्या है। जैसे कि मुझे इस टेक्स्ट की जगह पे कोई और टेक्स्ट चाहिए, तो हम इस जगह पे सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते हैं पहली बात। दूसरा, हम सब्स्टिट्यूट जब लगाएंगे, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया, सबसे पहले हमारे हमें इसका सिंटेक्स पढ़ना है, ये क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है, फिर ओल्ड टेक्स्ट, फिर न्यू टेक्स्ट मांगता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट देना है, जैसे कि मैंने अभी टेक्स्ट दिया, ये आपसे बोलेगा कि आपका पुराना टेक्स्ट क्या है। तो जब इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखना है हमें कि इन्वर्टेड कॉमा में हमें वो टेक्स्ट लिखना है जो हम हटाना चाहते हैं, लिख दिया। न्यू टेक्स्ट में हम वो देंगे हमेशा कि जो हमें चाहिए, जैसे कि मुझे खुशी की जगह ये नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि मुझे खुशी की जगह पे ये नाम चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में ऑन ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ करके शिफ्ट के साथ जब ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करूंगी, तो यहाँ पे जो नाम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास ये रेंज दी गई है पूरी, अब इसमें जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं जहाँ पे खुशी का नाम है वहां पे मुस्कान का नाम आ रहा है। तो जैसे मैंने रिप्लेस करा है तब ये नाम आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे अगर आपसे कोई बहुत बड़ी रेंज में कह दे कि मुझे इस टेक्स्ट की जगह पे ये टेक्स्ट चाहिए, मुझे इसकी जगह पे वो चाहिए, तो मतलब आप इस केस में अपना सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे दिया गया है राज, मैं चाहती हूँ ये जो राज वाला सेल है इसमें क्या हो, इसका नाम चेंज हो जाए किसी और नाम के साथ। जैसे कि मैंने ये नाम दिया, इन कॉमा डाला, इन इन्वर्टेड कॉमा में, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा में ही देना है, वरना आंसर पुट नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये ले लिया एंड फिर मैं उसके साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करती हूँ एंड जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी, हम इसको अलग से कर लेते हैं, जैसे कि क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है, हम अलग से कर लेते हैं इसी सेल को। जैसे कि मैंने अलग से लिया, सब्स्टिट्यूट लगाया, एक फॉर्मूला हम लगा चुके हैं इस वजह से उस वाले सेल में नहीं हो पा रहा है। सब्स्टिट्यूट लिया, टेक्स्ट लिया हमने, पुराना हमारा टेक्स्ट क्या है, मैंने ऋषि लिखा है, इसकी जगह पे न्यू टेक्स्ट में मुझे कॉमा में न्यू टेक्स्ट चाहिए, न्यू टेक्स्ट में मुझे चाहिए किसका नाम, मैं नाम लिख दूंगी, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो ये क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को रिप्लेस करता है, जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो हमें दे देता है, जो हमें नहीं चाहिए वो हटा देता है। अब आते हैं हम अपने रिप्लेस पे। जैसे रिप्लेस का काम क्या है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने मुस्कान का नाम लिखा है तो ये स्पेलिंग गलत है, तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है एक लेटर को। तो मैं क्या करूंगी, जब मैं इज इक्वल टू में रिप्लेस लगाऊंगी टैप करूंगी, ओल्ड टेक्स्ट दूंगी, ओल्ड टेक्स्ट मेरा यही है, मैं कॉमा दूंगी, नंबर चार में ए लेटर कौन से नंबर पे है, हम ये देंगे, तो ए लेटर हमारा सेकेंड नंबर पे है। नंबर चार कितने लेटर हमें चेंज करने हैं, मतलब एक लेटर चेंज करना है, दो लेटर चेंज करना है, तीन लेटर चेंज करना है, तो नंबर चार में सिर्फ एक ही लेटर गलत है मेरा, मुझे एक की जगह पे यू लिखना था, तो मैं वन दे दूंगी। अगर आपका गलत है, तीन गलत है, चार गलत है, आप वो देंगे, बस जहां से गलत है वो नंबर स्टार्ट नंबर पे देना है और जितने टेक्स्ट गलत है वो हम यहाँ पे देंगे नंबर चार में, ये दे दिया। उसके बाद कॉमा, अब टेक्स्ट हमें चाहिए क्या उसकी जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा में, ध्यान रखिए इन्वर्टेड कॉमा में हमें टेक्स्ट देना है जो हम चाहते हैं उसकी जगह पे। अब ये मैंने लिख दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर। तो कुछ इस तरीके से जो मेरा टेक्स्ट है वो सही हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, अब मुझे यहाँ पे खुशी लिखना था, यहाँ पे नाम गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू में रिप्लेस लगा देंगे, रिप्लेस लगाया हमने, टैप किया, ओल्ड टेक्स्ट दिया, उसको कॉमा दिया, स्टार्ट नंबर कौन सा है अब इसका, फर्स्ट नंबर से मुझे चेंज करना है, और नाम टेक्स्ट में टेक्स्ट कितने चेंज करने हैं, मुझे एक ही चेंज करना है, एक ही लेटर बदलना है। अब मुझे उसकी जगह पे चाहिए क्या, के चाहिए, क्योंकि मुझे खुशी नाम चाहिए था, इन्वर्टेड कॉमा में अपने टेक्स्ट देके एंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा टेक्स्ट है वो रिप्लेस होके एकदम करेक्ट टेक्स्ट बन जाएगा। कुछ इसी तरीके से हमारा क्लीन है, क्लीन का काम क्या होता है, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से ये सारे नेम सेलेक्ट करे, नेम सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ ले आई मैं,
और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करके मैं नाम ले आई। अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, एंड इसमें जाके मैंने कलर भी कर दिया। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कलर भी दे दिया अलग अलग तरीके से। तो अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल टू में क्लीन, जब मैं क्लीन फॉर्मूला लगाऊंगी, इसमें सिंटेक्स में क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है। मैं टेक्स्ट दूंगी अपना, इसको टेक्स्ट दे दिया मैंने, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ करके एंटर प्रेस कर दिया। तो क्लीन का काम आप तो समझ गए होंगे देखते ही कि ये जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट जो भी हमने इसमें ऐड करा होगा ये सब क्लीन कर देगा हमारे टेक्स्ट से। तो क्लीन का काम मैंने आपको बता दिया, ये टेक्स्ट का जो भी हमने फॉर्मेट लगाया होगा ये उसको क्लीन करके हमारे टेक्स्ट नॉर्मल जैसे था वैसे दे देगा। अब चार का काम क्या है, चार का काम है जैसे कि मान लीजिए ये ना करेक्टर बताता है, नंबर का करेक्टर, कि नंबर के स्पेशल करेक्टर कौन कौन से हैं ये वो बताता है हमें। हम यहाँ से स्पेशल करेक्टर देख पाते हैं नंबर के, तो चार का काम क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, नंबर लिख दिया मैंने, ये नंबर के स्पेशल करेक्टर बताएंगे आपको कि स्पेशल करेक्टर क्या है नंबर के। जैसे कि किसी नंबर का करेक्टर कुछ और है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। एक कीबोर्ड करेक्टर होता है ना हमारे, जैसे वो कीबोर्ड के अंदर करेक्टर्स होते हैं अलग अलग एक एक की के, तो ये वो बताता रहेगा। जब इज इक्वल टू में हम क्यार लगाते हैं, क्यार लगाने के बाद टैप किया, ये नंबर मांगता है, नंबर ही देता है, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करता है। हमने नंबर लिया, एंटर प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको एक स्पेशल से करेक्टर दे देगा ओनली। जब आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे करेक्टर। जैसे कि मैं अब यहाँ पे 66 लिख देती हूँ, यहाँ पे 67, यहाँ पे 68, तो ये इस इन वर्ड्स के करेक्टर देता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 99 98, तो कुछ इस तरीके से हमारे क्यार का यूज हम करते हैं, इसको क्यार बोलते हैं, और ये इसका काम होता है, ये हमें स्पेशल करेक्टर देता है। होप सो मुझे लगता है इसकी समझ में आ गया होगा इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको फ्री कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए विद वैलिड सर्टिफिकेट के साथ। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।